लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में आयोजित रैली में अपना जोरदार प्रदर्शन करके शंखनाद कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर एकजुटता का पाठ पढ़ाया, तो वहीं सबको पार्टी के साथ चलने की सलाह दी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि चुनावी रैलियां किसी भी संगठन का बड़ा अभियान होती है, जिसमें शामिल होना पार्टी कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जो इसमें शामिल नहीं होते वे पिछड़ जाते हैं। मैंने आपके लोगों को देखा है, आपकी कुर्बानी को देखा है, आपके यहाँ पर बसने की जो संघर्ष है उसको कहता हूँ। आप ऐसा की जाए तो चाहिए। आज तक भाषा जैन की वजह से दुकानी भी चलेंगे नया ग्राहक ये कोशिश होनी चाहिए। हमें पूरी कोशिश उनको अपने पैतृक स्थान में उनको बचने का मौका मिले, ताकि जिस नीति से इस हवा से वो अभी के जो है उनको भी उसी मिट्टी में मिलेगा और उसी हवा में जीवन व्यतीत कर लेगा मौका मिले। ये हम इस बात को चाहते हैं और इसमें मेरा पूरा पूरा सहयोग अभी असर है। सरकार को संदेश भी होना चाहिए, गंगा शास्त्र से काम नहीं चलता, लोगों की भावनाओं को भी मानना चाहिए और यहाँ तक जो है उनको भी अपनी जो भावना है खुद विचार करना चाहिए। खुशी खुशी से आप समझी चाहिए है यहाँ पर विकास हो जो स्थापित है उनको भी स्थान। रैली के दौरान प्रदेश में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी सरकार पर जमकर हमले किए।